This webinar presented by Legal Cell and Law and Society Alliance. My name is Kavita. I am working as an office administration in H. Kumar Vaidyanathan and Associates from last 3 years. I would like to give you a brief introduction on Law and Society Alliance. The organizer of this webinar is Mr. N.C. Vipindra. He is an advocate in Supreme Court and Delhi High Court. He is the editor of Defense Capital and chairman of Law and Society Alliance. Advocate H. Kumar Vaidyanathan is Secretary General of Law and Society Alliance and co-founder of Legal Cell. So our today's webinar is introduction of hypnotherapy. And the speaker is Dr. Shashikant Bamne, hypnotist and counselor. He is the president of Om Shri Chaitanya Jnana Leela Charitable Trust Vasai, Human Rights Association, Palghar District, Hypnocare Training and Treatment Center, Vasai, Harshakala and Acting Academy, Vasai, Palghar. He is also committee member of Akhil Bharatiya Marathi Chitrapat Mahamandal, Mumbai. He is recipient of various awards at state and national level. He has been giving various kinds of session to Maharashtra police, schools, medical colleges, politicians, corporations, and so on about mental health to overcome their fears, depression, and stress. Now, I request everyone to mute their mics, and if you have any questions, you may drop it in the chat box. Over to you, Dr. Shashikant Bamne. Hello. Yes, can you hear everybody? Yes, sir, please. Okay, very good afternoon to everybody. And thanks a lot for Mr. Kumar and Mr. Bipin sir for giving me a good opportunity to this webinar. Okay, so main aap Hindi mein aaj ka jo webinar hai, mera jo topic rahega wo hypnotism and counseling. Okay. लेकिन मैं हिंदी का प्रयोग करूँगा, हिंदी भाषा का प्रयोग करूँगा कि जिसके थ्रू आपको भी और जो भी जिसको भी तो एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड. ओके, तो हिप्नोथेरेपी जो है सम्मोहन शास्त्र का. हेलो सर, यस, यू कैन ऑन द वीडियो. सॉरी टू इंटरप्ट सर, प्लीज ऑन द वीडियो. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, कंटिन्यू. हेलो, या ओके, तो कंटिन्यू ना, राइट. ओके, सो सम्मोहन शास्त्र. सम्मोहन शास्त्र एक ऐसा विषय है जिस विषय का बहुत से लोगों के मन में चिंता, अचिंता, डाउट्स बहुत कुछ होते हैं, कि जिसका अध्ययन बहुत से लोगों को ही नहीं है कि हिप्नोटिज्म क्या है, सम्मोहन शास्त्र क्या है. तो सम्मोहन शास्त्र जो है बहुत वर्षों से पहले, बहुत वर्षों के ये जो अपने गुरु जो है, जो अध्यात्म करते हैं, जो गुरु जो हिमालय में बैठे हैं, तो उनके साथ, मतलब अध्यात्म के साथ इसके हिप्नोटिज्म की कनेक्टिविटी है. तो हिप्नोटिज्म शास्त्र का उपयोग, ये साइंस का उपयोग अपने जो इंडिया गवर्नमेंट ने है उसने भी ये अलाउ किया है. जो 2005 में WHO दुबई में एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मिस्टर प्रणव मुखर्जी थे. ओके, उसी टाइम वही मीटिंग में एक सम्मोहन शास्त्र हिप्नोटिज्म को एक मानसिक समस्या निर्मूलन अभियान के रूप में उसका उपयोग करने के लिए कहा गया है. उसको गवर्नमेंट के पास कोई रजिस्ट्रेशन खरीदने की जरूरत नहीं, ऐसा GRB पास करवा गया है. लेकिन उसके बाद अगर सम्मोहन शास्त्र का मैं स्टडी जैसे 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 करता गया, तो एक 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 ऐसी चीजें मेरे सामने आने लगी कि ऐसे कुछ से बहुत सी बीमारियां है जो दवा से नहीं लेकिन दुआ से बहुत सी अच्छी हो सकती है. तो आता जिसको दुआ, मतलब दुआ मतलब यह है कि भगवान किसी ने देखा नहीं है, लेकिन श्रद्धा जो है सबके दिल में, सबके मन में श्रद्धा है, वो श्रद्धा के अनुसार हमें अपने शरीर में जो भी पावर से उसको पावर को एक्टिवेट करने के लिए किसी शास्त्र की जरूरत होती है, तो उसका वो सम्मोहन शास्त्र जो है, सम्मोहन शास्त्र का उपयोग उसी के लिए बहुत ही बढ़िया, उसका उत्तेजन के लिए उसका उपयोग होता है. तो उसी शास्त्र के अनुसार सम्मोहन शास्त्र का उपयोग मैं लास्ट 15 ईयर से मैं कर रहा हूँ, कि जिसके थ्रू
जितने भी मेंटली प्रॉब्लम्स है, जितने भी डिप्रेशंस है, चिंता है, डर है, भय है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, फोबिया है, ऐसे बहुत सी जो चीजें हैं, तो उसको दूर करने के लिए हिप्नोटिज्म साइंस का बहुत ही जबरदस्त उपयोग किया जाता है। अभी वो उपयोग अभी हर आदमी तो जाके सीख नहीं सकता है, लेकिन ये वेबिनार के थ्रू मैं कुछ ऐसी चीजें, मैं कुछ ऐसे टेक्निक्स आपको बताऊंगा कि जिसके थ्रू आप अपने को, अपने खुद को एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक आत्मविश्वास, सेल्फ हिप्नोसिस, हाउ टू स्ट्रांग अवर सेल्फ, ये सब जो चीजें है वो आप खुद कर सकते हो। वो आस्ते आस्ते मैं उस तक आऊंगा। और हिप्नोटिज्म की जो शुरुआत है, अभी बहुत से लोग हिप्नोटिज्म के कोर्सेज चलाते हैं, लेकिन बहुत से 99% लोग जो है एंटरटेनमेंट जो है एंटरटेनमेंट जैसे चलाते हैं, तो उसको हिप्नोटिज्म का उपयोग अगर एंटरटेनमेंट न करके अगर उसको मानसिक समस्या निर्मूलन के लिए अगर उपयोग किया जाए तो बहुत ही समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो उसी का उपयोग मैं भी करने जा रहा हूँ। तो वो करते करते मुझे बहुत से ऐसे प्रॉब्लम सामने आए कि बहुत से आज तक मैंने एक अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पुलिस को मैं ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट दिया है, महाराष्ट्र पुलिस को ट्रीटमेंट दिया है, मेडिकल कॉलेजेस में जो MBBS के स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, लॉ कॉलेजेस लॉयर्स जो है, बहुत से लोगों को, इन लोगों को क्यों ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि उनके दिन में एक लेस कॉन्फिडेंस होता है। कभी कभी सब लोग 100% प्योर नहीं होते, परफेक्ट नहीं होते, कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो उनके दिल में जो डर है, उनके दिल में जो टेंशन है, उनके दिल में जो भी लेस कॉन्फिडेंस है, उसको इंक्रीज करने के लिए क्या करने का, तो इंक्रीज करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। अगर खुद का कॉन्फिडेंस खुद की पर्सनैलिटी पर आनी है, भाषा, अपना भाषा के ऊपर अगर कॉन्फिडेंस लाना है, स्टेज फियरनेस है, स्टेज के ऊपर बोलना है। अभी थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल दूंगा, अभी मैं कराड़ में एक यशवंतराव लॉ कॉलेज करके है, वहाँ पे मैंने एक सेशन लिया था, तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 200 या 250 लॉ स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर के। तो उनमें मैंने जब भी सेशन लिया, तो सेशन के बाद बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे को आके पूछा कि सर हम लोग पढ़े हैं, सब कुछ है, हमारे पास अभी लॉ की डिग्री भी आ जाएगी, लेकिन अभी जज के सामने हम जब भी प्रेजेंट करने जाएंगे, हमारा क्लाइंट का केस प्रेजेंट करने जाएंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता, हमको डर रहता है, हमारे सीनियर्स लोग सामने बैठे होते हैं। तो वो जो बनाने का, कॉन्फिडेंस लेवल बनाने का है, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए जो है अभी हिप्नोटिज्म में क्या है, हिप्नोटिज्म कनेक्टेड होता है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। ये जो अपने शरीर में दो माइंड है, उसका कॉन्शियस जो माइंड है अपना हमेशा अलर्ट रहता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो एकदम रिलैक्स स्थूल अवस्था जिसको बोलते हैं, स्थूल अवस्था में रहता है। जब भी तो इसके लिए जब भी रात को हम सोते हैं, सोने के बाद कभी कभी हमें सपने पड़ते हैं, अच्छे पड़ते हैं, बुरे पड़ते हैं, नेगेटिव, डर पैदा, ये सब जो चीजें होती हैं, वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप दिन में जो सोचते हो, कभी कभी ऐसी घटना अपने बचपन में घड़ी जाती है, स्कूल में घड़ती है, तो वो सब जो घटना है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, और कभी कभी फ्यूचर में वो सब चीजें बाहर आने लगती हैं, तो उसके बाद अपने को चालू होता है, कोई फोबिया चालू होता है, कोई टेंशन चालू होते हैं, नींद नहीं आती है, गुस्सा आता है, हाइपरनेस होता है। तो उसी के लिए हम लोग बहुत से, आप रिपोर्ट्स निकालेंगे, रिपोर्ट्स में आपको सब पूरा रिपोर्ट्स आपका अच्छा आ जाएगा, आपको टैबलेट्स खाने की कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर्स भी बोलेगा रिपोर्ट अच्छा है लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर भगवान के पास जाओ, महाराज के पास जाओ, बुआ के पास जाओ, इधर जाओ उधर, ये सब हम लोग करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर टाइम आप अध्यात्म की तरफ, यानी मेडिटेशन की तरफ, अपने हेल्थ की तरफ अगर दे जाए, तो उसका बहुत सा युद्ध जो युद्ध हो जाता है। अभी आध्यात्मिक लेवल के साथ हिप्नोटिज्म का क्या कनेक्शन है, देखिए जो भी अपने महाराज बुजुर्ग जो महाराज लोग है, सन्यासी लोग है, वो जो ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो योग जो है सम्मोहन से समाधि तक, ऐसा एक मेरा स्लोगन भी है। तो सम्मोहन शास्त्र का खुद के लिए अगर आप सेल्फ हिप्नोसिस एक कोर्स सीख जाते हैं या टेक्निक सीख जाते हैं, तो खुद को अपना सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कमांड कैसे करने का, अपने बॉडी के ऊपर कमांड कैसे करने का, अपने हेल्थ के ऊपर कमांड कैसे करने का, अपने भाषा के ऊपर कमांड कैसे करने का, ये सब जो पंचेंद्रिय अपने है, वो पंचेंद्रिय के ऊपर अगर आपका कमांड आ जाता है, तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की तकलीफ आपके आजू बाजू में बिल्कुल आएगी नहीं। ये बॉडी का ऑरा तैयार हो जाता है, और वो ऑरा तैयार होने के बाद
आपकी मेडिटेशन जिस शक्ति है वो शक्ति ऑटोमेटिकली काम करती है। और जो शक्ति है, कोई भी शक्ति जो है ना, वो शक्ति नाम है लेकिन हमें दिखती नहीं, वो एक स्वरूप में काम करती है। हवा चलती है लेकिन हमें दिखती नहीं है, बराबर। जो पानी होता है, पानी में हाथ डालो, हाथ में ले लो, लेकिन पानी हाथ में रहेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद तो निकल जाएगा। तो ये शक्ति ऐसे काम करती है। तो वो शक्ति खुद के लिए हमें मेडिटेट कैसा करना है, खुद के लिए हमें उसका इम्प्लीमेंट कैसा करना है, खुद के लिए उसका यूज कैसा करना है। अगर एक घर में एक आदमी अगर हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस सीख जाता है, तो पूरी उसकी फैमिली पॉजिटिव वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि आपका विचार, आपका आचार, आपका स्वभाव यही पॉजिटिव वाइब्रेशन से निर्माण करती है। जैसे घर में आप कभी भी बाहर से आते हो, घर में जाते हो, घर में एंट्री करते हो, अगर आप पॉजिटिव हो, हंसते हुए हो, हंसते हुए एंट्री लेते हो, हाय हाउ आर यू ऐसे बोलते हो, तो फैमिली के साथ भी, सामने से भी आपको वैसा ही रिजल्ट आएगा कि जैसा पॉजिटिव उनके साथ बात करते हो। तो ये बात करते समय, ये हमेशा तो नहीं होगा, क्योंकि हम, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम समाज में घूमते हैं, काम के लिए बाहर जाते हैं, कौन कैसा मिलता है, क्या मिलता है, किसी को पता नहीं है। तो आदमी क्या होता है कि आदमी का खुद के माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। और जो भी हम ऑफिस में जो हम फेस करते हैं, वही सब टेंशन हम घर पे लेके आते हैं, घर पे लेके आते हैं वही टेंशन, मतलब और जो टेंशन है उसका नाम है नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी वो आपके साथ ही चल रही है। जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके खुद के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपके विचारों के ऊपर नहीं है, तब तक ये नेगेटिविटी आपके साथ चलती रहेगी। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए अभी मैं अभी से आपको सबको, जितने भी आप मेरे सुन रहे हैं, तो उनको मैं गुजारिश करूंगा कि आप आज के बाद एवरी मॉर्निंग सुबह, जिसको ब्रह्म वेळ कहा जाता है, ब्रह्म टाइम कहा जाता है, तो ब्रह्म टाइम के समय आप जल्द ही उठने का प्रयास करें। सुबह ब्रह्म टाइम जो है 3 to 5 ऐसा ब्रह्म टाइम है, लेकिन इतना हमें 2 घंटा सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। आप 3:30 बजे उठो, 4 बजे उठो, लेकिन आपको 20 मिनट जो है, जिसको बहुत सा बढ़िया ऑरा रहता है, 4:15 to 4:40, 4:15 से 4:40 तक, ये जो 20 मिनट है आपको खुद के लिए आज के बाद देना है। आप देखो परिवर्तन कैसा हो जाता है, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी एनर्जी वहां पे उतनी जबरदस्त काम करती है। तो वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी आपके नेचर के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो जैसे हमें जो भी चाहिए, अभी आदमी को क्या चाहिए, आदमी पहला ही भगवान के पास या किसी के पास अगर मांगने जाता है, बॉस के पास मांगने जाता है प्रमोशन चाहिए, किसी बैंक के पास जाता है लोन चाहिए, भगवान के पास जाता है मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, बहुत कुछ डिमांड है आदमी के है। लेकिन वो कभी ऐसा मांगता नहीं कि मुझे अच्छा विचार दो, मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल दो, मुझे स्मार्टनेस दो, कि मुझे मेरी मुझे शक्ति दो कि जिससे मैं खुद का कर्म से एक क्रिएटिविटी मैं कर सकूं, कि समाज में मैं नाम कमा सकूं, ऐसे कोई नहीं मांगता है। तो सुबह आपको उठ के ये टाइम, ये 20 मिनट में वही करना है जो ध्यान करना है। अभी ध्यान करना है तो ध्यान कैसे करना है, देखो तो सामने कोई भी मूर्ति नहीं चाहिए, होगी मंदिर तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आप बैठने के लिए जो आसन होता है, वो आसन बैठने के लिए आप ले लो। आसन के ऊपर सिंगल पद्मासन जो आता है, सिंगल पद्मासन के ऊपर आप आराम से बैठिए। सिंगल पद्मासन के ऊपर जैसे आप बैठोगे, शांति से बैठिए और खुद को एक सजेशन दिए, जिसको सेल्फ सजेशन टेक्निक बोला जाता है। आप खुद को सजेशन दिए कि मैं 20 मिनट मैं, मेरा विचार, मेरा शरीर, मैं यहाँ पे शांति से मैं बैठने वाला हूँ, और मेरा माइंड, मेरा विचार, मेरी एनर्जी और मेरी जो लहरें है, वो लहरें मेरी नेचर के साथ कनेक्ट हो जाएगी, और मेरे दिल में जो भी सोच है, मेरे दिल में जो भी मेरे विचार है, वो विचारों की कनेक्टिविटी मेरी नेचर के साथ कनेक्ट होगी, और मेरे मन में जो भी इच्छा है, वो इच्छा की पूर्तता मेरी जल्द से जल्द पूरी होगी। अभी इच्छाएं तो बहुत है, लेकिन खाली इच्छा बोलो आप, क्योंकि इच्छा है कि अगर ब्रांचेस खोल लिया जाए तो बहुत से उसमें देयर इज नो लिमिट। ओके, तो इसके लिए अगर आप इच्छा खाली बोलो, मेरी इच्छा पूर्तता होगी, सीधा बैठो और आप सिंगल एकदम, जिसको त्राटक बोलते हैं, तो वो त्राटक के समान आप कड़क एकदम बैठो। आपका पीठ का जो मनका है तो स्ट्रेट होनी चाहिए, और आप एकदम शांति से बैठो। सामने जो है, आप दोनों आंखें बंद करो, मुद्रासन के जैसे
जैसे ऐसा हाथ है वैसा हाथ, मुद्रासन के जैसे आप बैठो। ये मुद्रासन इसके लिए है कि ये जो अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल, ये अपने पंच महाभूत है, पंच महाभूत के ये दोनों में जो पावर्स है, वो पावर्स है मैग्नेटिज्म सिस्टम वहां पे यूज होते। जब ही अध्यात्म के लिए आप बैठते हो तो मैग्नेटिज्म पावर यहाँ पे निर्माण होती है। इसके लिए मुद्रासन, ये मुद्रासन में आप बैठिए, और जैसे मुद्रासन में आप बैठोगे और आप खाली आपको एक ध्यान करते करते आंखें आस्ते आस्ते बंद करना है। सजेशन देते देते मैं अभी मेरी आंखें स्लोली स्लोली बंद करने जा रहा हूँ 20 मिनट। मैं, मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरे आचार, मेरी एनर्जी नेचर के साथ कनेक्ट होने जा रही है और मेरी आंखें बंद हो रही है। आप अपना ध्यान अपने शरीर का मध्य बिंदु मीन्स शरीर का मिडल पॉइंट, जिसको दोनों आंखों के बीच में और जो नाक के ऊपर जहाँ पे होता है, जहाँ पे बॉडी में सेंसेशन होता है, वहां पे आपकी नजर कनेक्ट कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। और ओम का जो ध्यान है, ओम का ध्यान, जिसको खाली आपको ओम ही बोलना है, ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है, ओनली ओम। अभी वो भी ऐसा बोलना है कि पहले आप खाली ओ बोलो, इमीजिएट दोनों लिप्स जो है वो बंद करो, और जो म है, म शब्द जो है उसका उच्चार आपको कंटिन्यू जहां तक आपकी ब्रीदिंग चलेगी वहां ब्रीदिंग तक आपको लेके जाना है। यानी कि मैं आपको एक बता के जाता हूँ यहाँ पे। ओम सेम ऐसे ही ध्वनि आपको 21 टाइम्स आपको करना है। इससे यही होगा कि आपके बॉडी में जितने भी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी वाइब्रेशन से है, वो पूरे की पूरे आपके निकल जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त बढ़ते जाएगा, और आपके इसमें अगर हाइपर सिटी है, हाइपरनेस है, आपको घर की चिंता है, बेटे की चिंता है, एजुकेशन की है, पैसे की है, भविष्य की है, सब कुछ, पहले 2-3 मंत्र जब ही आप बोलते हो उसी टाइम आपका बाहर का सोचना पूरा के पूरा आपका बंद हो जाएगा। पूरा के पूरा जैसा बंद हो जाता है तो आपकी कनेक्टिविटी नेचर के साथ कनेक्ट हो जाएगी और आपके शरीर में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे वाइब्रेशन होगा, आपका ब्रेन में, दिमाग में, विचारों में जितने भी नेगेटिविटी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा आस्ते आस्ते बिल्कुल निकल जाएगी। और 20 मिनट के बाद आपके पास इतनी जबरदस्त ऐसी ताकत निर्माण होगी कि आप सोचना ही, आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतने बरस इस मंत्र से या इस सिचुएशन से मैं लंबा क्यों था। देखो, कोई भी चीज लाइफ में जो होती है ना, उसका एक योग होता है। आज ये योग है कि आज सभी आपके आशीर्वाद की योग से ही मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, कि जिसके थ्रू, जिसे किसी भगवान या जिसे किसी शक्ति ने, कुमारन साहब को मेरे पास भेजा, कुमारन ने मेरे को अलाउड किया, यहाँ पे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो ये जो शक्ति है, वो शक्तियाँ जो घूम रही है, ये अवकाश में बहुत से शक्तियां घूम रही है। हम सब शक्ति के ऊपर कमांड नहीं कर सकते, लेकिन कोई शक्ति अगर हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो उसका जो यूज है, उसका हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें अभी एक करते समय हमें 1-2 दिन में 4 दिन में रिजल्ट आएगा, ये मालूम नहीं। उसके लिए क्या है, हमें भाषा के ऊपर कंट्रोल करना है। मतलब हमेशा अपनी जो सोच है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सुबह जैसे भी आप घर से निकलते हो, मन में सोचो, आज मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, आज कुछ मेरे हाथ से बहुत सी अच्छा काम होने वाला है, शाम तक मेरे पास ऐसी एनर्जी रहेगी, मैं मेरा तो काम करूँगा, मैं किसी और को हेल्प करूँगा, और मेरे हाथ से एक अच्छा ऐसा काम होगा जो मेरे भगवान के पास, मेरे गुरु के पास, मेरे मम्मी पापा के पास, मेरे मम्मी डैडी के पास वो पहुंच जाएगा आशीर्वाद के रूप में। और ऐसे करके आप बिल्कुल बाहर निकलो। देखो, आज के बाद हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में असंख्य प्रश्न है। हम रात को उठते ही सुबह सुबह से हमारा टेंशन चालू होता है कि मुझे चाय मिलेगा कि नहीं, घर में पानी आएगा कि नहीं, दूध आएगा कि नहीं, मुझे रिक्शा मिलेगा कि नहीं। ये सब जो है चीज है, ये सब चीजें बाजू में रखे आप कॉन्फिडेंट रहो कि मुझे भगवान ने अगर धरती पे भेजा है अच्छा काम के लिए भेजा है, वो अच्छा काम मेरे से 100% होना है। तो इसकी शुरुआत करते करते आपको एंड ऑफ द डे आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, और जैसे जैसे रिजल्ट मिलेगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा।
तो किसी ने, सेवर ने, एक जो सेवर था मिस्टर हेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उसने एक सेवर जो है, सेवर्स मतलब है, अभी सेवर्स का हर शब्द का एक अलग अलग अर्थ है। सेवर्स का अलग अलग अर्थ क्या है मैं आपको बता दूं, वो बहुत ही अच्छा लिखेगा है। उसने यस मतलब साइलेंस, साइलेंस लिसनर, ये गुड लिसनर हमें लाइफ में बनना चाहिए। अगर गुड लिसनर आप बनते हो, क्योंकि हम क्या करते हैं, सामने वाला फटाक से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है एकदम फटाक से, हम लोग उसको रिएक्ट होते हैं, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, पेशेंस, खुद के पेशेंस, खुद के ऊपर कंट्रोल रखो, आराम से सामने से सुन लो, फिर बाद में अपना डिसीजन प्रेजेंट करो, यू विल गेट द वेरी पॉजिटिव रिजल्ट। उसके बाद से के बात आता है, ये मतलब अफर्मेशन इज कॉल्ड पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी सुबह से जो आप जिस थॉट से निकलेंगे, उस थॉट से आपकी पॉजिटिविटी इमीडिएट क्रिएट होने चालू हो जाएगी, और ऐसी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्रेशन चालू हो जाएगा कि आपको एक जबरदस्त रिजल्ट आस्ते आस्ते आते जाएगा। अभी सेवर्स का थर्ड वर्ड है वी, वी मतलब विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करो। आप रात को सोते समय आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी काम है, जो भी संकल्पना है, बच्चे के बारे में, आपके काम के बारे में, भविष्य के बारे में, एम्बिशंस के बारे में, विजुअलाइज करो, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करो। बस भगवान को फूल नहीं चाहिए, भगवान को खाली विजुअलाइज करो, आंखें बंद करो, पूरी दोनों आंखें, दोनों हाथ जो है, हाथों से बहुत से कलर के जो फूल है, फूल पैरों में डालो, कृष्ण भगवान के पैरों में डालो, अपने जो भी गॉड है, गुरु है, उसके पैरों में डालो, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द ब्लेसिंग। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज हम सभी को जो है ना बोलते हैं, हम सभी को बोलते जाते हैं कि तू आपको हर आदमी, तो वहां पे एक ऐसी, हर घर में एक ऐसी जगह है, वहां पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और वो एकदम जल मतलब शांति, शांति की जगह है, वहां कोई भी डिस्टर्ब नहीं, और वहां पे आपकी ऊर्जा, एक साधना आप करोगे तो उसका 100% आपको, डबल केवल 100% आपको मिल जाएगा। तो वो करने के लिए आपको क्या करना है, जो मेडिटेशन की क्रिया है, जल देवता है, जल देवता के सामने करो, नहाने के लिए आप बैठे हो, पानी चालू करो, आस्ते से पानी चालू करो, दो लोटा पानी आप नहा लो, और उसके बाद आपको प्राणायाम जो है, प्राणायाम प्रॉपर लेवल से आपको करना है। अभी प्रॉपर लेवल क्या है, ये जो पंच धातु मैंने आपको बताया, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, जो पांच पंच धातु है, उसमें से जो पृथ्वी और जल है, वो अपनी जो लेफ्ट साइड की जो है इंगला और पीड़ा, इसको बोलते हैं, ये जो दो नाड़ी है, वो नाड़ी को आपको लास्ट दो फिंगर से आपको पकड़ना है, प्रेशर नहीं करना है, ओनली वो जो है होल है उसको खाली बंद करना है आपको, और राइट से आपको ब्रीदिंग लेना है, रुकवाना है, नीचे छोड़ना है, और जो अग्नि है उसको बंद करो, वहां से ले लो, यहाँ से छोड़ो, यहाँ से ले लो, यहाँ से छोड़ो, ओनली यू विल 21 टाइम्स ये करो, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये हम करते नहीं क्योंकि अपने पास टाइम नहीं, बोलते हैं हम लोग, हमारे पास बहुत कुछ अच्छी चीजें होती है। तो एक साधना आप आज से करो, और हार्ट को, हार्ट को मतलब अपने दिल को अगर स्ट्रांग बनाना है, अपने बॉडी में आपको स्ट्रांग बनाना है, तो इसके लिए और एक उसके साथ करो, कि ब्रीदिंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं, मतलब 7 14 7 टाइम्स आपका 7 सेकंड आपका जो ब्रीदिंग है, श्वास है, ऊपर ले लो 1 2 3 4 5 6 7, फिर रुकवा लो वो 1 से 14 तक कंप्लीटली स्टॉप करो, छोड़ना नहीं, लेना नहीं, और फिर बाद में 1 से 7 तक छोड़ना है। ऐसी क्रिया आप डेली करो, आपको हार्ट का प्रॉब्लम, फोकस का प्रॉब्लम, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा सर, कभी नहीं, नेवर। लेकिन वेरी सिंपल जो चीज योगा जो बनाया है, वो योगा का इम्प्लीमेंटेशन और आपको शरीर के साथ करते हो, यू विल गेट 100% रिजल्ट। तो और रीडिंग जो है, आर सेवर्स, एक्सपर्टाइज, एक्सरसाइज हो गया, अभी आया रीडिंग, जो भी आपके मन में आता है, कभी भी 5 लाइन 2 लाइन आप लिखते जाओ, आपकी डायरी, पर्सनल दैनंदिन जीवन की लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप 2 भी 4 लाइन 5 लाइन में, ट्रेन में बैठे हुए आप सफर कर रहे हो विरार के चर्चगेट तक, कुछ ना कुछ आपको 5 मिनट टाइम मिलेगा, उसमें जो आपके दिमाग में आता है
पांच लाइन, आठ लाइन, दस लाइन, आपकी लाइफ में घटी हुई अच्छी चीजें आप लिखते जाओ। देखो आपको करंट सिचुएशन है, आपको उस टाइम पे लेके जाएगी जहां पे आपकी यादें लिख रहे हो, मतलब ऑटोमेटिक में सबकॉन्शियस माइंड में एक बार इंप्लीमेंट होती है तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर के आज। तो ये है आर रीडिंग और ये स्क्राइबिंग, मतलब जो राइटिंग अभी मैंने जो बताया, रीडिंग और राइटिंग पढ़ो भी, आपको पढ़ना भी है, लेकिन पढ़ना क्या है, हम स्टोरी देखो देखो ही मत, वैसे बच्चों को भी देखने मत दो, एंजॉयमेंट के प्रोग्राम्स है, गाने के प्रोग्राम्स है, सिंगिंग के प्रोग्राम्स है, विनोद के प्रोग्राम्स है, जोकिंग प्रोग्राम्स है, तो ये हैप्पीली प्रोग्राम्स आप देखते रहो, क्योंकि टीवी में जब भी हम लोग देखते हैं, जब भी गाते हैं, जब भी देखते हैं, उसकी एनर्जी हमारे दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं। हमारे जो घर में है, हमारे घर पे जो झगड़ा क्यों होता है, हमारा वाइफ में संघर्ष होता है, बच्चों में संघर्ष होता है, हम बच्चों को बोलते हैं मोबाइल मैक्सिमम आपको देने का प्रयास करूंगा, तो ये जो है सेल्फ हिप्नोसिस, आप हमें आपको अगर करना है शांति से सुबह जो भी है, हफ्ते में एक बार एक घंटा खुद के लिए दे दो, हफ्ते में एक बार पूरा एक रूम में शांति से बैठो, लेकिन उसको आपको एक गाइडेंस की जरूरी है, क्योंकि सेल्फ हिप्नोसिस ऐसी चीज है, अगर आपका शरीर इमीडिएट अगर हिप्नोटाइज होता है तो आपको रिवर्स इंफॉर्मेशन देने वाला कोई ना कोई चाहिए, नहीं तो खुद को लेना चाहिए, इसके लिए आपको मास्टर की गाइड की बहुत जरूरी होती है, और ये जरूरी जो है वो जरूरी वैसे आएगी, आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हो, आपको वो सब डिटेल्स मिल जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में जो आपको सुबह जो ब्रह्म टाइम के टाइम ये जो बताई है, ये अगर आप शुरुआत करोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अभी घर में जो झगड़ा होता है उसमें क्यों झगड़ा होता है, देखो हर आदमी को चाहिए कि मुझे सक्सेस चाहिए, मैं ये सच हूँ, मैं जो बोलता हूँ वही सच हूँ और मैं पीछे नहीं हटूंगा। देखो यश और अपयश ये दोनों के बीच में एक एक स्टेप पीछे आता है, वो जीत जाता है एक्चुअली, क्योंकि वो चलो मैं एक स्टेप पीछे आता हूं, आप जीत गए आप जीत लो, कर लेते हैं, और जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही आदमी का सब सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है। अभी उसमें जितने ये क्यों होता है जो हर हॉस्पिटल सब हाय हाउ आर यू फ्रेंड हाउ आर यू, लेकिन सामने वाला बोलते हैं अरे आपका हाथ थोड़ा सा गर्म लगता है, बुखार तो नहीं आपको, बस इतने से आपको टेंशन आ गया, आपको बुखार चले जा रहा है, क्योंकि आपके लोगों होना चाहिए अच्छे विचार तो हेलो, ये सम्पूर्ण शास्त्र का स्टडी जो है अभ्यास है बहुत ही डीपली है, उसका अंत नहीं है, लेकिन हम करते जाएंगे आपको रिजल्ट मिलते जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हो, आप चैट भी कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लीज। एनी क्वेश्चन? या कविता, कैन यू प्लीज आस्क द क्वेश्चंस? यस यस सर, सर देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम सिद्धि पवार,
She is saying, you sir, what you have explained, I am experiencing every day from 3 a.m. to 5 a.m. Automatically, my sleep awaken. So I want to know what is that actually. Please guide, sir. आपका जो है, जब भी आप सोते हो, ओके, जब भी आप सोते हो उसी टाइम आपको दोनों जो फिंगर है, दोनों फिंगर शेयर लाइक दिस एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग यू कैन डू दिस 15 टाइम्स, यू कैन प्रेस दिस 15 टाइम्स, यू कैन प्रेस दिस, ओके, एंड स्लीप 2-3 डेज, यू विल गेट द रिजल्ट. Okay, and there is meditation requirement. अगर meditation नहीं करते हो तो आपको meditation खाली 2 या 3 मिनट सोने से पहले आपको करना है. मुझे आज बहुत ही अच्छी नींद आएगी, ये सजेशन आपको लेना है. थैंक यू डॉक्टर साहब. कविता मैडम, यू कैन गिव द वोट ऑफ थैंक्स एंड प्लीज वाइंड अप, बिकॉज़ वी आर ओनली 2-3 मिनट्स मोर. ओके सर, ओके. आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर शशिकांत भामने सर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वेबिनार एंड गिविंग अस एन इंट्रोडक्शन टू हिप्नोथेरेपी. आई थैंक एडवोकेट विपिंद्र एनसी एंड एडवोकेट कुमार फॉर कंडक्टिंग सच इंटरेस्टिंग, मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल वेबिनार. आई ऑल्सो थैंक द पार्टिसिपेंट्स हु जॉइंड अस टूडे. थैंक यू सो मच एवरीवन. आवर नेक्स्ट वेबिनार इज ऑन मंडे 10th August 2:20 to 3:10 p.m. on basics to drafting a will. Our speaker will be Advocate Seema Karmalo and moderator is Vinaya Kumar. Thank you all of. Thank you so much.